नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जी कमल नेगी और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, एक बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी निकली है, बम्पर भर्ती निकली है। ग्रामीण बैंक में IBPS एग्जाम कंडक्ट करता है सर, रीजनल रूरल बैंक का, उसमें 2017 में वैकेंसी निकली है जी। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, देखिए सर, टोटल पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकली है सर 14,192। तो टोटल ग्रामीण बैंकों में ऑफिसर्स में स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और ऑफिस असिस्टेंट मिला करके टोटल ऑल इंडिया 14,192 वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें से जो जो दो मेन वैकेंसीज हैं, जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगी है विदाउट एक्सपीरियंस, मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ। बाकी और डिटेल के लिए आप वेबसाइट पर जाकर के लॉग इन कर सकते हैं, www.ibps.in पर जाकर के आप लॉग इन कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो टोटल 14,192 वैकेंसीज निकली हैं, उसमें से फर्स्ट ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस जो कि क्लर्क की पोस्ट होती है, उसे अब ऑफिस असिस्टेंट कहा जाता है, उसके लिए टोटल 7,374 वैकेंसीज निकली हैं। देन उसके बाद बात करें सर ऑफिसर स्केल 1 के लिए 4,865 वैकेंसीज निकली हैं। देन उसके बाद बात करें सर ऑनलाइन स्टार्ट डेट, कि ये जो मेरा फॉर्म है ये ऑनलाइन भरना कब से स्टार्ट होगा, तो मेरा ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट होगा जी 24 जुलाई 2017 से। तो 24 जुलाई 2017 से मैं इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकता हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑनलाइन एंड डेट, कि ये जो मेरा फॉर्म है इसकी ऑनलाइन की लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट है जी 14 अगस्त 2017, 14 अगस्त 2017 को इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो उससे पहले मुझे इस फॉर्म को भरना है। देन उसके बाद बात करें सर एज, कि किस एज ग्रुप का व्यक्ति, कितनी आयु का व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। तो सर जो फर्स्ट है ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 18 से 28 साल का व्यक्ति, जनरल कैटेगरी में जो व्यक्ति 18 से लेकर के 28 साल तक का है, मतलब कम से कम 18 साल का हो और 28 साल से अधिक ना हो, वह व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। और सेकेंड ऑफिसर वाली जो पोस्ट है ऑफिसर स्केल 1, उसके लिए जो एज है वो है जी 18 से लेकर के 30 साल, मिनिमम 18 साल का व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है और मैक्सिमम जनरल में 30 साल से कम आयु का व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है एज ऑन 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को उसकी एज 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए ऑफिसर के लिए और 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी इस फॉर्म को भरने के लिए। तो सर देखिए, सेम फॉर बोथ ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल वन, दोनों टाइप की पोस्टों के लिए जो योग्यता है वो सेम है और वो होनी चाहिए एज ऑन 14 अगस्त 2017, 14 अगस्त 2017 को मेरी योग्यता होनी चाहिए। और वो शैक्षणिक योग्यता मेरी क्या होगी, पहला है जी बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय से स्नातक होना चाहिए, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, ठीक है जी, या बीटेक किया हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीसीए, कुछ भी किया हो जो कि बैचलर डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन में। देन उसके बाद एक पॉइंट है जी प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज। इसका क्या मतलब है, ग्रामीण बैंक में वैकेंसी निकली है तो सर मैं जो भी स्टेट भरूंगा, अगर मान लीजिए मैं हरियाणा भरता हूं तो हरियाणा में हिंदी चलती है तो मुझे हिंदी आनी चाहिए रीड राइट और स्पीक करनी। अगर मान लीजिए मैं पंजाब भरता हूं तो मुझे पंजाबी आनी चाहिए रीड राइट और स्पीक करनी, और अगर मान लीजिए मैं गुजरात भरता हूं तो मुझे गुजराती आनी चाहिए रीड राइट और स्पीक करनी। तो मैं ध्यान से उस स्टेट को अप्लाई करूंगा कि जिस स्टेट से, जिस ग्रामीण बैंक के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूं, और उसकी जो लोकल लैंग्वेज होगी मुझे उसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब मैं उस स्टेट की लैंग्वेज को, जो लोकल लैंग्वेज है, मैं उसे रीड राइट और स्पीक कर पाऊं। तो हो सकता है कि वो मेरा पहले एक टेस्ट लेंगे, फाइनल सिलेक्शन से पहले अगर मेरा पेपर क्लियर हो जाता है तो वो मेरा एक लोकल लैंग्वेज का टेस्ट लेंगे जिसमें मुझे रीड राइट और स्पीक करके दिखाना होगा। और उसके बाद डिसेबल कंपलसरी नहीं है, पर डिसेबल एक और पॉइंट दिया गया है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए, कंप्यूटर पे काम करना आना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है पर मुझे आना चाहिए, क्योंकि सर बैंकिंग में आजकल टोटली कंप्यूटराइज वे में काम होता है तो मुझे कंप्यूटर पे वर्क करना आना चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर एप्लीकेशन फीस, कि अगर मैं इस फॉर्म के लिए अप्लाई करता हूं तो मुझे कितनी फीस देनी होगी और वो किस मोड में देनी होगी। तो सर देखिए, ओनली ऑनलाइन, केवल ऑनलाइन मोड से ही मैं फीस जमा करा सकता हूँ, SBI की नेट बैंकिंग से या डेबिट क्रेडिट कार्ड से मैं इस फॉर्म को जमा
फॉर्म की फीस जमा करा सकता हूँ। और उस फॉर्म की फीस जमा कराने की जो डेट है वो है जी फ्रॉम 24 जुलाई 2017 से लेकर के 14 अगस्त 2017 तक। तो 24 जुलाई 2017 से लेकर के 14 अगस्त 2017 तक मैं इस फीस को जमा करा सकता हूँ। यार उसके बाद सर बात करें कि किस पोस्ट के लिए मेरी फीस कितनी है, तो देखिए सर फॉर ऑल पोस्ट, ऑल पोस्ट का मतलब मैं ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट भी भर सकता हूँ और मैं ऑफिसर स्केल 1 की भी पोस्ट भर सकता हूँ। मतलब कोई भी कैंडिडेट ये दोनों पोस्टें भर सकता है, वो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट भी भर सकता है और ऑफिसर स्केल 1 की भी पोस्ट भर सकता है। बस फिर उसे अलग अलग फीस डिपॉजिट करानी होगी और अलग अलग फॉर्म भरना होगा। तो देन देखिए सर ₹100 फीस है एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन है तो उसे ₹100 फीस जमा करानी है। और इसके अलावा अगर वो जनरल कैटेगरी से या किसी और कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसे ₹600 फीस जमा करानी है प्लस बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा जो 2 से लेकर ₹5 के बीच में लगेंगे या हो सकता है कि 10 से ₹20 के बीच में भी लग जाए। जो वो भी होगा वो बैंक चार्जेस उस टाइम आपका फीस के साथ आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी आगे सिलेक्शन प्रोसेस कि अगर मैं इस फॉर्म को भर देता हूं तो मेरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे मेरा आगे सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन के लिए सर 2 ऑनलाइन एग्जाम, मेरे 2 पेपर होंगे और दोनों के दोनों पेपर ऑनलाइन होंगे। उसमें क्या होगा सर प्री और मेंस, एक मेरा प्री के नाम से पेपर होगा और फिर अगर वो मेरा वो क्लियर हो जाता है तो फिर मेरा नेक्स्ट पेपर होगा जी मेंस के नाम से। देन उसके बाद फॉर ऑफिसर एंड असिस्टेंट, ऑफिसर के लिए भी मेरे 2 पेपर होंगे प्री और मेंस, मेरे को दोनों एग्जाम क्लियर करने हैं। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी मेरे 2 एग्जाम होंगे प्री और मेंस, मेरे को दोनों के दोनों क्लियर करने हैं। देन उसके बाद देखिए सर एक लाइन और दी गई है आफ्टर दैट कॉमन इंटरव्यू फॉर ऑफिसर्स ओनली। अगर मेरा प्री क्लियर हो जाता है मेरा मेंस क्लियर हो जाता है तो अगर मैं ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो केवल मेरा स्केल 1 के लिए इंटरव्यू होगा, मतलब ऑफिसर पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा। पर अब मोदी सरकार ने ऑफिस असिस्टेंट मतलब ऑफिसर से नीचे का जो रैंक है ग्रुप बी सी और डी के लिए इंटरव्यू बंद कर दिया है, तो ऑफिसर ऑफिस असिस्टेंट के लिए मेरा इंटरव्यू नहीं होगा। उसमें मेरा मेंस में जो मेरे मार्क्स होंगे उसी में मेरिट के हिसाब से मेरा सिलेक्शन होगा और ऑफिसर के लिए मेरा इंटरव्यू होगा। देन उसके बाद बात करें सर नेक्स्ट क्वेश्चन डाउनलोड कॉल लेटर फॉर प्री एग्जाम। तो अब जो मेरा प्री एग्जाम है ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिसर ऑफिस असिस्टेंट का, उसके लिए जो मेरा कॉल लेटर डाउनलोड होगा वो मैं कॉल लेटर डाउनलोड कब से कर सकता हूँ। तो ऑफिसर के लिए मैं कॉल लेटर डाउनलोड कर सकता हूँ सर अगस्त 2017 से मैं ऑफिसर स्केल 1 के लिए कॉल लेटर डाउनलोड कर सकता हूँ और ऑफिस असिस्टेंट के लिए मैं सितंबर 2017 से कॉल लेटर डाउनलोड कर सकता हूँ। और जो मेरी साइट है वो है जी वेबसाइट www.ibps.in। इस साइट पर लॉग इन करके मैं कॉल लेटर को डाउनलोड कर सकता हूँ प्री एग्जाम के लिए। यार उसके बाद बात करें सर नेक्स्ट डेट ऑफ एग्जाम कि मेरा जो डेट ऑफ एग्जाम है उसकी टेंटेटिव डेट क्या होगी। तो टेंटेटिव डेट है जी ऑफिसर स्केल 1 के लिए, वहां पर टेंटेटिव डेट अभी दी गई है 9 सितंबर 2017। तो 9 सितंबर 2017 को मेरा ऑफिसर का पहले दिन जो है वो ऑनलाइन एग्जाम का टाइम दिया गया है। नेक्स्ट एक डेट और है जी 10 सितंबर 2017। और अगर मान लीजिए कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो उन्होंने एक डेट और दी है 16 सितंबर 2017 इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी तो। अगर ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे तो 16 सितंबर को भी एग्जाम होगा और अगर नहीं ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो 9 और 10 को एग्जाम होगा। तो अभी आप ये मान करके चलेंगे कि मेरा ऑफिसर स्केल 1 का जो एग्जाम है वो 9 सितंबर को होगा, बाकी अगर बाद में होता है तो आपको 2-4 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। देन उसके बाद बात करें सर नेक्स्ट ऑफिस असिस्टेंट के लिए कि मेरा ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम कब होगा। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो मेरी टेंटेटिव डेट दी गई है वो डेट दी गई है जी 17 सितंबर 2017। तो पहली डेट है 17 सितंबर 2017 को मेरा फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम होगा ऑफिस असिस्टेंट के लिए। देन एक डेट और है जी 23 सितंबर 2017 को नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होगा। और अगर बच्चे ज्यादा हुए ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट ने फॉर्म भरा तो एक डेट और है जी 24 सितंबर इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी तो 24 सितंबर को भी एग्जाम होगा। और अगर बच्चे ज्यादा ना हुए तो 17 और 23 को एग्जाम होगा। तो अभी आप मान करके चलेंगे कि आपका जो ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है उसकी जो टेंटेटिव डेट है वो 17 सितंबर है, तो आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे। बाकी अगर आपका एग्जाम लेट होता है तो आपको 2-4 दिन और मिल जाएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको लाल रंग में एक सब्सक्राइब का बटन लिखा नजर आ रहा होगा, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक नीली घंटी का निशान नजर आ रहा होगा, आप उस पर फटाक से क्लिक कर दीजिए। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे ही कोई रिक्रूटमेंट निकलेगी, कोई नया नोटिफिकेशन आएगा, कोई नई वैकेंसी आएगी तो मैं आपको उसके बारे में एक वीडियो बना करके दूंगा, तो उससे आप मेरे चैनल के साथ अप टू डेट रहेंगे। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को बताया IBPS RRB 6 रिक्रूटमेंट 2017 के बारे में। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी निकली है, बहुत सारी वैकेंसी निकली है, तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरिए।
और आपने मुझे ये बताना है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उन्हें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वैकेंसी को भर पाएं और इस वैकेंसी का लाभ उठा पाएं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट मैं आपको एक वीडियो और बना करके दूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा इस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न के बारे में, कि अगर मेरा ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम है तो उसमें क्या आएगा, कितने कितने मार्क्स का क्या आएगा, अगर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है तो उसमें क्या आएगा और कितने कितने मार्क्स का क्या आएगा। बहुत ही जल्द मैं आपको नेक्स्ट उसके बारे में एक वीडियो बना करके दूंगा। बस आप लोग क्या कीजिए, फटाफट इस वैकेंसी को भरिए और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि इसके एग्जाम में क्या आएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।